बच्चों अब करता हूँ मैं एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन। और बच्चों देखो ये क्यूब में है तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। और बच्चों ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। तो बच्चों ये होता है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप ये आइडेंटिटी बिल्कुल याद कर लीजिए बाय हार्ट, क्योंकि बहुत काम आने वाली है आपकी हर जगह पे, है ना। तो बस आप इसको इसको खोल देंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों ध्यान से देखिए 2x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 4x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, है ना। तो काफ़ी इजी है, आइडेंटिटीज लगानी है इस एक्सरसाइज में, पूरी आइडेंटिटीज ही लगेंगी और कुछ नहीं लगेगा। सेकंड पार्ट का तो बच्चों अब ये ध्यान से देखिए, इसमें आइडेंटिटीज लगने वाली थी तो मैंने आपको बताया था 64x³। मुझे पता है बच्चों ये 4 का क्यूब होता है, 4x³ माइनस 125 होता है बच्चों 5y³। और बच्चों ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ध्यान से रखिए, आपको अगर ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो आप सब कुछ याद। देखो मैं ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ध्यान से देखिए, होता है ए प्लस बी और फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला करता हूँ याद, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। तो देखिए ए क्यूब तो ए प्लस बी है ना जो, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, जहां पे देखो यहाँ पे देखो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा देखो ये सारा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आप अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा है किसका, फैक्टराइजेशन का, तो उसको आराम से देख लो, तो बड़े इजीली आपके सारे फॉर्मूलेज और कैसे करना है आपको याद, वो आपको मैंने उस पर बता रखा है। तो सीधे सीधे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 5y, और फिर हो जाएगा 16x² प्लस 5 20xy प्लस ये हो जाएगा 25y². तो देखो बच्चों ये मेरा इसका आंसर आ चुका है ना। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।